इम्पोर्टेंस ही नपुंसकता और या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर, खास करके एक सवाल बहुत कॉमन है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन में कमतरता आना 50 साल की उम्र के बाद क्या कॉमन है। दोस्तों, ऐसे ही सब प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम, आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा, इरेक्शन संबंधित प्रॉब्लम, सेक्सुअल संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन रहते हैं लोगों के लिए। प्रॉब्लम ये रहता है कि क्योंकि इंडियन सोसाइटी में खासकर ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता नहीं फैमिली लेवल पे, बहुत सारे लोग प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं केवल ऑनलाइन या थोड़े बहुत ऑफलाइन, एक्चुअल डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते नहीं हैं। एनीवे, तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है क्या 50 साल की उम्र के बाद। तो जी हाँ, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले देखा जाए और अभी में देखा जाए, तो अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता बहुत कॉमन हो रहा है, इंपोर्टेंस ही बहुत कॉमन है। तो क्यों इतना बढ़ते जा रहा है? सबसे कॉमन कॉज खास करके भारतीयों में है, वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस। अगर ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस केवल हमारे ही एज में नहीं है रहता है, हमारे से पहले 200 300 हजारों साल से जब भी इंसान था तब से वो स्ट्रेस तो रहा था, लेकिन हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो शायद से इतना ठीक नहीं है, इसलिए नपुंसकता काफ़ी बढ़ती जा रही है। बिकॉज मेंटल स्ट्रेस मिसमैनेज्ड या नॉर्मल मैनेज्ड या ऐसा स्ट्रेस जो सालों गिनती तक या महीनों गिनती तक मैनेज ना हुआ हो, ऑब्वियसली सेक्स पे तो असर पड़ने ही वाला है। और खास करके आपको, अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है 50 साल के ऊपर, तो ये असर तो आएगा। बहुत सारे लोग आजकल ड्रग्स के ऊपर है, ड्रग्स मतलब दवाइयों पे है, डायबिटीज खुद के वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली उसके वजह से होता है, और उसकी दवाएं, खास करके ऐसी दवाएं जिससे पेशाब होते हैं, जिसको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं, अगर आप लंबे समय तक डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो कुछ लोगों के अंदर नपुंसकता आ सकती है। और आपको अगर इसको दूर करना है तो नपुंसकता के दवा के बदले आप अपने डॉक्टर के पास जाके वो दवा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कि साहब, इससे मुझे ऐसा लगता है कि नपुंसकता आ रही है। दूसरा है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, तो खुद डिप्रेशन के वजह से सेक्स में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, और रहता भी है तो इरेक्शन होता नहीं है, या होता है तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। दूसरा, डिप्रेशन की बहुत सारी जो दवाएं हैं उसके वजह से भी नपुंसकता आती है, तो आपको दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। और इसके अंदर होम्योपैथी बहुत ही अच्छा विकल्प है। होम्योपैथी अलॉन्ग विद साइकोथेरेपी अगर किया जाए तो ना ही डिप्रेशन पर ठीक हो जाएगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो आपके एंटी डिप्रेशेंट्स है वो भी अगर होम्योपैथी से अगर कम हो सके आपके होम्योपैथ की मदद से। दोस्तों, जो भी दवा बताऊं, प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लीजिए, बिकॉज ये एक जनरल लेक्चर है। स्पेसिफिक अगर इंडिविजुअलिस्टिक लेना है तो आपके होम्योपैथ से आपको कंसल्ट करके लेना पड़ेगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहे थे हम लोग नपुंसकता की और ड्रग्स के बारे में। तो एक तो है एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स, जो डिप्रेशन की ड्रग्स अगर आपके कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो संवेदना है बढ़ जाएगी, आपकी सेक्सुअल इंपल्सेस बढ़ जाएगी और इरेक्शन आपको नॉर्मल आने लग सकता है। बहुत सारे लोग आजकल, हमको पार्किंसंस एक बीमारी है जिसमें हाथ हिलते हैं, धीरे धीरे जो मस्तिष्क है वो छोटा होते जाता है, और पहले तो ये पार्किंसोनिज्म बूढ़ों की बीमारी मानी जाती है भाई, कि 70-80 साल के अंदर, लेकिन आजकल बहुत यंग एज में 50 साल 60 साल के अंदर पार्किंसोनिज्म काफ़ी पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। पार्किंसोनिज्म खुद के वजह से जो सेक्सुअल उत्तेजना है वो कम हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है, और उसके जो ड्रग्स है
उसके वजह से भी ये काफी लोगों के अंदर देखा गया है। हार्ट की जो धड़कन रहती है लप ढप होना चाहिए। अब कुछ लोग की वो धड़कन जो है वो उसकी ताल या लय बिगड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं अरिथमिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो ड्रग्स उसको स्टेबलाइज करने के लिए जाती है, काफी सारे लोगों को उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको सॉल्व बहुत सारे किया जाता है। प्लीज अपने होम्योपैथ से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हर बार उसको दवा से ही सॉल्व करना ऐसा नहीं है। अपने पार्टनर से बातचीत करके या जो मेडिकल ऐसे प्रॉब्लम जिन्होंने अभी मैंने बताया वो अगर दूर हो जाए, ड्रग्स खास करके अगर हमने चेंज कर दिया जाए या उसके डोज कम कर दिया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दिया जाए, तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम आराम से मैनेज होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये सब को बाकी रखते हुए और हम लोग ऐसे ड्रग्स ढूंढते हैं जिससे सब इरेक्शन हो जाए, लेकिन ये सब डायबिटीज रहने दो, सब वो उसकी दवा दे दो, उसकी बीपी की दवा रहने दो, उसको रहने दो, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें, ऐसा नहीं होता। ये एक समूह है, इसको अगर एक साथ सॉल्व किया जाए तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे एक बहुत सारे कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम नागपुर महाराष्ट्र में होने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड है हमसे सीखने के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618, बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, शायद 1-2 सीट्स बची होगी। अगर आप इंटरेस्टेड तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए जल्दी से। और 16 और 17 सितंबर को हमारे यहाँ वर्कशॉप होने वाला है कार्डियोलॉजी पे, होम्योपैथी एंड हार्ट डिजीजेस पे। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए सेम नंबर 9307965618। किताबें हमारी अवेलेबल है अमेजोन पे और 1st Sunday ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं सेम नंबर 9307965618 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।